नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। इक्वेशन अपने पास क्या है, ए माइनस बी टू एक्स प्लस ए प्लस बी का इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, कुछ नहीं ऐसे कर लो सिंपली ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट व्हाट वी गेट, वी गेट ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। ये कहाँ से मिला अपन को, इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, इस टर्म को इधर की इस ए माइनस बी एक्स को आर एच एस भेजेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। ओके, नाउ पुट ए सब्स्टिट्यूट, पुट दिस ए प्लस बी बाय इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। देखो सेकेंड इक्वेशन डायरेक्टली इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करें। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी एक्स तो वही रहेगा, यहाँ पे ए प्लस बी की जगह हम ए प्लस बी इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे ये। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हुआ, कैंसल, ठीक है, एंड और कुछ कैंसिल होना नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्या करना है, ये देखो ये ए माइनस बी एक्स है और ये प्लस बी एक्स है, तो पहले से प्लस करेंगे, प्लस करने पे क्या आएगा, एक्स कॉमन ले लो अगर, तो ए प्लस बी एक्स माइनस ए एंड प्लस बी, ए माइनस हम ए वाला माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, ठीक है, एंड इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर को माइनस टू ए बी को किधर की साइड ले जा रहे हैं, आर एच एस साइड, सो ये कितना हो जाएगा टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, तो यहाँ से ये देखो माइनस ए गया, ये क्या आया टू बी एक्स इक्वल टू इसमें से टू बी स्क्वायर और टू ए बी में से टू बी कॉमन आ रहा है, सो टू बी हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा बी प्लस ए, टू बी से टू बी क्या हुआ कैंसल आउट, सो एक्स इक्वल टू कितना आया ए प्लस बी। नाउ पुट दिस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड क्या है,
इक्वेशन सेकंड है अपने पास ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बाय इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई थिंक यही है इक्वेशन सेकेंड जैसे। ओके सो नाउ व्हाट टू डू, मैं इसमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई है ए प्लस बी, तो हमें सिंपली एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाय इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट वी गेट, ए प्लस बी बाय इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम आर एच एस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी का, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके सो अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, सो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है हाँ, सो वाई इक्वल टू कितना आया, वाई इक्वल टू आया माइनस टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी, दिस इज वाई, एक्स इक्वल टू क्या है ए प्लस बी, वाई इक्वल टू क्या है माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी,